तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप फ्रेंड्स सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे HSBT के एग्ज़ाम के नोटिस के रिगार्डिंग में। तो फ्रेंड्स, ये नोटिस आज निकल कर आया है HSBT के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर ये नोटिस 13/1/2021 को आया है। इस नोटिस के अंदर क्या कुछ है एग्जाम के रिगार्डिंग में, मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके, एंड वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं नोटिस डाउनलोड करता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़कर समझाने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने नोटिस डाउनलोड कर चुका हूँ, अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इस नोटिस के अंदर क्या लिखा है, मैं सबसे पहले हेडिंग पढ़ता हूँ। कंडक्ट द रीअपियर एग्जाम एंड मर्सी एग्जाम ऑफ डिप्लोमा कोर्स 21/1/2021। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर है क्या, जो आपका पेपर होने वाला है डिप्लोमा के रीअपियर जो 21 तारीख से, उनके रिगार्डिंग में क्या कुछ नोटिस मैं डिस्कस करता हूँ। इट वॉज द एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिसेंटली हेल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन अक्टूबर 2020 डेट द स्टूडेंट फेस्ड फ्रिक्वेंटली टेक्निकल डिस्टर्बेंस ड्यू टू द नेटवर्क डिवाइस रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस में HSBT बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि जो अपना पिछला पेपर हुआ था, इट मीन्स 2020 के अक्टूबर में ऑनलाइन, इन पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट को टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, इट मीन्स नेटवर्क से रिगार्डिंग में या अदर कोई सा भी प्रॉब्लम हुआ था, तो उनके वजह से कुछ बच्चे पेपर नहीं दे पाए थे और किसी बच्चे का पेपर छूट गया था, उनके रिगार्डिंग में या कुछ इसमें लिख रखा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है कि इन्होंने बताया कि पुअर नेटवर्क जो कनेक्टिविटी था उनके कारण पेपर नहीं हो पाया था। सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, कुछ बच्चे रूरल एरिया से थे, मतलब कुछ बच्चे का जो घर था वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं था, मतलब किसी विलेज में था जहाँ तक उनके घर तक नेटवर्क नहीं पहुँच पाया था, इट मीन्स उसका नेटवर्क स्लो था या 2G था या अदर कोई सब था। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि HSBT का पूरे बहाना है, HSBT कुछ नहीं कर रहा, आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, मैं अभी भी बोल दूँ। ये क्लेरिफिकेशन निकालने का क्या कुछ फ़ायदा है HSBT को, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है कि आपका टाइम बीते और आपका 21 तारीख कब आ जाए और आपका पेपर कंडक्ट ऑफलाइन मोड ही हो। तो फ्रेंड्स, आप इस नोटिस में मत जाना, सो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग पंचकुला पहुँचे। एंड मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पंचकुला कब जाना है क्या कुछ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फिर उस नोटिस को भी आप वॉच करना। तो फ्रेंड्स, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में लिख रखा द ऑनलाइन टेस्ट लॉग्ड आउट ऑटोमेटिक सबमिट। तो फ्रेंड्स, जो आपका टेस्ट हुआ था, जो ऑनलाइन पेपर हुआ था, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो चुका था, किसी बच्चा का ऑटोमेटिक लॉक हो गया, किसी का ऑटोमेटिक सबमिट हो गया था, इन्होंने इसका एग्जाम्पल भी दे रखा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने दे रखा किसी का मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड भी नहीं पहुंचा था। एंड नेक्स्ट वेरिफिकेशन है, इन्होंने ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड भी किया था बट कुछ बच्चों को नहीं पहुंचा था, वो भी टेक्निकल इशू बता रखा है इन्होंने अपने नोटिस के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट फेल टू अपलोड द फोटो ड्यू टू डिवाइस नेटवर्क रिलेटेड टू द इशू ऑफ कोचिंग लॉट ऑफ इन्वायंस। तो फ्रेंड्स, इसमें लिख रखा कि कुछ बच्चे अपने फोटो अपलोड नहीं कर पाए थे, सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पाए थे, तो ये सब टेक्निकल जो प्रॉब्लम बता रहे बोर्ड, ये सिर्फ टाइम पास के लिए, जो अपने टेक्निकल 5-6 प्रॉब्लम बताई है, ये सिर्फ ये बच्चों का गलती नहीं है, ये वेबॉक्स जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा था उनका गलती है, इनमें 1% बच्चे की गलती है, बाकी 99% जो बोर्ड वाले हैं जो वेबॉक्स से जो पेपर कंडक्ट करवाए थे अपना, उनका गलती है मैं मान सकता हूँ। इन्होंने सारा बच्चे के ऊपर थोप दिया कि बच्चे का नेटवर्क कमज़ोर था, बच्चे ने फोटो अपलोड नहीं किया, सिग्नेचर अपलोड नहीं किया, कनेक्टिविटी 2G था, रूरल एरिया से था। क्या जितने बच्चे फेल हुए हैं बोर्ड के वजह से वो सारे बच्चे रूरल एरिया से थे क्या? HSBT बोर्ड अभी तक जवाब उनका नहीं मिला है, आप बताओ। ये HSBT बोर्ड सिर्फ आपका टाइम लॉस कर रहा है गाइज, आप भी पंचकुला पहुंचो फिर आपका रिजल्ट निकलेगा। इन्होंने कुछ और क्लेरिफिकेशन कर रखा है गाइज नीचे कि जो बच्चे प्रेजेंट थे एग्जामिनेशन में 2017 बैच के, वो दे रखे हैं 10,920। और गाइज इसमें कुछ और दे रखे हैं नीचे कि जो कमज़ोर बच्चे थे उनका अच्छा मार्क्स आ गया, जो अच्छे बच्चे थे उनका कम मार्क्स आ गया। तो इसमें पॉइंट आप पढ़ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो गाइज। नेक्स्ट, इन्होंने सेकेंड पॉइंट में क्लियर कर रखा है, देयर फॉर द डिजर्विंग स्टूडेंट आर नॉट लूज देयर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, ऐसे ही इन्होंने 5-6 पॉइंट में बनाकर दे रखा है और सारा कुछ ये जो करा कराया है बच्चे को थोप रखा है, मतलब बच्चे को सौंप दिया कि ये सारा गलत बच्चे का था, ये सारा गलती बच्चे ने किया था, इनके वजह से उनका पेपर कंडक्ट नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, जिन बच्चों ने ऑनलाइन पेपर दिया होगा और वो बच्चे का पेपर नहीं हो पाया था, वो सारे टेक्निकल प्रॉब्लम था बोर्ड का और वीबॉक्स का जिन्होंने पेपर कंडक्ट करवाया था। तो फ्रेंड्स, आप कुछ मत करो, आप डायरेक्ट पंचकुला जाओ, धरना पर बैठो। मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हो।
फ्रेंड्स एक क्लियरिफिकेशन देने से बोर्ड को कुछ नहीं होता, मैं बोल रहा हूँ आपका टाइम बर्बाद होगा और आप कुछ नहीं कर सकता बोर्ड भी। तो फ्रेंड्स ये सारा गलती वीबॉक्स वाले का था और जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं जेएसवीटी बोर्ड, ये सारा गलती उन्हीं का था गाइज। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड ये फ्रेंड में शेयर कर देना ताकि उसे भी पता लग सके ये गलती किसका था और कहाँ अब अगला नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ करना है। और एक ही स्टेप बचा है पंचकूला डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक कर देना एंड मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का नोटिफिकेशन के लिए और इसी तरह का एजुकेशनल नॉलेज के लिए। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।